नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कोरोनिल विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की दवा पर अच्छी पहल की है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल के काम पर आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों की सराहना की है। साथ ही कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया है। रामदेव ने कहा कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह है। सैकड़ों जगह FIR दर्ज हो गई हैं, जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ दर्ज होती हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में 108 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान CM गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण 108 भवनों का शिलान्यास VC के माध्यम से करना पड़ा है। कोरोना के कारण जीवन जीने की आदतें भी बदली हैं। CM ने कहा कि लॉकडाउन खोलने के बावजूद रेस्टोरेंट और होटल्स खाली पड़े हैं। CM गहलोत ने चिकित्सा जगत को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि प्लेग से लाखों लोग मर गए। कोरोना के दौर में लोगों की सोच बदल गई। आजीविका के बगैर जीवन नहीं बचा सकते। ऐसे में रोजाना कमाने वाले मजदूरों पर संकट है। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा मॉडल के बारे में बात करते हुए कहा कि कई राज्य नाम बदलकर हमारा मॉडल अपना रहे हैं, लेकिन हमें आगे भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अजमेर में गुरुजी की रासलीला सामने आई है। नाबालिग छात्रा इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा ने सरकारी स्कूल के शिक्षक नरेश प्रजापत पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग छात्रा ने बताया कि वह 10वीं कक्षा की परीक्षा देने गई थी। परीक्षा के बाद शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डूंगरपुर में एक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ गांव में 3 बच्चे भैंसों को तालाब से निकाल रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया और तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर दोवदा पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया और रामगढ़ अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। 3 बच्चे चचेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं। बीकानेर में राशन डिपो होल्डर के गेहूं वितरण में धांधली करने का मामला सामने आया है। यह मामला वार्ड नंबर 80 का है, जिसकी शिकायत लेकर वार्ड की महिलाएं रसद विभाग कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का आरोप है कि डिपो होल्डर उन्हें 10 किलो की जगह 5 किलो गेहूं दे रहा है और कहता है कि इतना ही मिलेगा क्योंकि मशीन खराब हो चुकी है। चूरू जिले के सरदार शहर में रोलासर की 25 वर्षीय मैना देवी ने एक नसबंदी शिविर में नसबंदी करवाई थी। यह शिविर बीदासर के एक NGO के द्वारा लगाया गया था। नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसे चूरू अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। 12 जिले के अंता के नागदा रेलवे फाटक के पास रात्रि को एक अज्ञात शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर अंता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अंता अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। शख्स के पास से पुलिस को एक मोबाइल मिला है, जिसके आधार पर पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आगामी जुलाई महीने में लगभग 200 करोड़ रुपए की व्यावसायिक संपत्तियों को ई ऑक्शन के माध्यम से बेचेगा। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा प्रताप नगर और मानसरोवर योजना में कुल 78 संपत्तियों का ई ऑक्शन किया जाएगा। इसमें 55 व्यावसायिक और 23 आवासीय संपत्तियाँ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रताप नगर योजना स्थित बनने वाले आयुष मार्केट में 11 भूखंडों के लिए ई ऑक्शन 13 से 15 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन भूखंडों का न्यूनतम बोली मूल्य 65,500 रुपए से लेकर 68,800 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी बैंकों की सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अनुकंपा से नियुक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में देय नियत पारिश्रमिक से दुगने तक की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि इस वृद्धि से 4 संवर्ग वरिष्ठ प्रबंधक बैंकिंग सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संशोधित नियम वेतन 1 जुलाई 2020 से लागू होगा। अंजना ने बताया कि इस निर्णय से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.